जुड़ गए. आई मीन आई कंसिडर देम एज अ फैमिली ओनली बिकॉज इन लोगों की वजह से यू नो हमारा काम देखा जा रहा है, ये लोग हमारा काम देखते हैं सारे. सो वो सारे के सारे मतलब विश कर रहे हैं. सो आई डिडंट एक्सपेक्ट, इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग. अमिताभ बच्चन, बच्चन साहब 12 बजे शार्प मुझे उनका मैसेज आता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में होंगी, बच्चन साहब का मुझे हमेशा 12 बजे मेरे माँ बाप से पहले बच्चन साहब का मैसेज आ जाता है. अमोल ने बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा एक्चुअली मुझे. और हम लोग जब पहली बार काम करना शुरू किया था, हम लोग ने हांगकांग में पहला एक शो किया था, उसने वो फोटो डाली और उसने फिर कल रात की एक फोटो डाली, क्योंकि हम दोनों एक अवार्ड फंक्शन में गए थे और हम दोनों वहाँ पर थे. और उसने बहुत क्यूटली उसने फर्स्ट इज लाइक दिस इज आवर फर्स्ट फोटो एंड दिस हैज बीन आवर लास्ट फोटो लास्ट नाइट, यू नो. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट मैसेज दैट ही सेंट मी. आज का कुछ सरप्राइज गिफ्ट जो आप शेयर कर सकते हैं? सरप्राइज गिफ्ट तुम दे रहे हो? नहीं, आज का सरप्राइज गिफ्ट ये है कि इतना अच्छा टर्न आउट हो गया यहाँ पर. आई डिडंट एक्सपेक्ट, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम सब लोग आ जाओगे, क्योंकि ऑल्सो आज छुट्टी का दिन है, लेबर डे है. सो मुझे लगा था कि सब लोग घर पे बैठ के अपनी फैमिलीज के साथ सब मना रहे होंगे छुट्टी, पर तुम लोग आए एंड वो मेरे लिए बहुत 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 प्यारा सरप्राइज है. ओके आना मैम, हमने हर साल देखा कि आप अपना बर्थडे पृथ्वी राज थिएटर में जरूर बनाते हैं, सो कोई स्पेशल रीजन या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब कोई स्पेशल वो नहीं है, लेकिन बस वही है कि मैंने अपना काम और अपना करियर पृथ्वी थिएटर में ही शुरू किया है. और एक्चुअली मैंने पहली बार जब रिकग्नाइज़ किया कि मुझे एक्टिंग करनी है या एक्टर बनना है, वो इंस्टिंक्ट मुझे पृथ्वी थिएटर में ही आया था. और वो था जब मैंने एक समर टाइम की वर्कशॉप की थी और मैं महज 14 साल की होंगी तब. तो उस टाइम मुझे लगा था कि हाँ शायद मुझे एक्टर बनना है लाइफ लॉन्ग, यू नो. तो एंड फॉर्चुनेटली ये होता है कि मेरी बर्थडे के हमेशा एक दिन पहले या मेरी बर्थडे के दिन या मेरी बर्थडे के 2 दिन बाद हमेशा मैं कोई प्ले कर रही होती हूँ. तो हमेशा वो पृथ्वी थिएटर में ज़्यादातर होता है, ऑडियंसेस हमेशा मेरे लिए सेलिब्रेट करती हैं, हमेशा गाती हैं. एंड आई डोंट नो, पता नहीं कैसे लोग जुड़ जाते हैं. आई थिंक थिएटर का एक वो भी है कि मतलब लोग आपसे जुड़ जाते हैं, ऑडियंसेस आपसे बहुत प्यार करने लगती हैं. तो मेरे कुछ फैंस हैं जो हर साल केक लेकर आते हैं और मैं हमेशा वो पृथ्वी के स्टेकेस या पृथ्वी थिएटर में ही काटती हूँ. तो वो जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है. बहुत अच्छा, हाँ एक्चुअली क्वाइट नाइस और बहुत अलग है आज के मतलब वो फिल्म है, वेब सीरीज़ नहीं है. और मुझे लगता है कि आज की वो फिल्म्स जो ढुस ढुस और ढूम धड़ाम वो सब है, उसमें वो बिल्कुल कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी और मुझे लगता है कि ये सिंपल स्टोरीज आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं और बता पाते हैं. तो आई एम क्यूरियस टू नो लोगों का रिएक्शन क्या होने वाला है. और सोनी मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आई एम हैप्पी फॉर हर. ओके, अब तक की करियर में आपने जो भी रोल्स प्ले किए हैं बहुत ही यूनिक रही है और हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट किया गया है. और अभी हम देखा जाए तो वेब सीरीज में देखा जाए तो हमेशा आपका नाम जरूर लिया जाता है, बैक टू बैक बूट हो या नेटफ्लिक्स हो, हर जगह आपका ही नाम है. अच्छी बात है. क्या कहना चाहिए, रिसेंटली आपका जो राजू खंडेलवाल के साथ आने वाला है उसके बारे में आप कुछ बता सके? उस शो का नाम है मर्जी और वो वूट के लिए बन रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. और मुझे लगता है कि भारत में ये कॉन्वर्सेशन छिड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज यू नो कंसेंट एक नाम की चीज़ होती है जो मुझे लगता है भारत में बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है. लाइक ये शब्द ना सुनना, लोगों को पता ही नहीं कि ना नाम का भी कोई शब्द होता है, यू नो. लाइक अगर महिलाएँ मर्द को बोलती हैं कि यू नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे डू नॉट वॉन्ट टू बी you know in be involved with somebody, wo I think wo that conditioning is very deep rooted. To consent even for men the same thing, it could be either or for both of them. To ye show consent par hai and I think it's a very important conversation. Aur jab hum log ye shoot kar rahe the to I think for me this has been emotionally the most draining show that I've shot for. Okay, iske alawa short film bhi aa rahi hai aapki Veeran Tanuja ke sath, jo Tanuj Virwani ke sath, ha uske baad mein aapko kuch pata hai ki 2 din pehle baat hui thi to unhone kaha tha aana se pooch lena aage ke, main to itna hi bata sakta hu. Tanuj ne ye kaha tha to tum Tanuj se wapas ja ke pooch. Nahi, wo ek short film hai, uska naam hai Honeymoon. Aur मधुर अग्रवाल मेरे सीनियर रह चुके हैं कॉलेज में. और जब मैं आई थिंक जब मैं पहली बार कॉलेज आई थी तो वो कॉलेज का एक कोरियोग्राफर होता है ना हमेशा, जो एक बहुत कूल सा लड़का होता है और वो सबको बताता है कि यू नो तुम रैंप पे चलो, और हम लोगों को कुछ पता नहीं था उस टाइम. सो मधुर ने वो फिल्म डायरेक्ट की है और मधुर आई थिंक काफ़ी सालों के बाद ही इज़ रियलाइज ही वॉन्ट्स टू यू नो स्टार्ट डायरेक्टिंग.
तो उसने मुझे कॉल करके बोला था कि वो बना रहा है फिल्म, मैंने उसने बोला था कि तुम उसका हिस्सा बनोगे, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। ओके आयना, मैम आपने बहुत सारे रोल किए, इज देयर एनी ड्रीम रोल ऑफ योर्स? आई वांट टू डेफिनेटली प्ले अ स्पोर्ट्स वुमन। आई थिंक आई एम वेरी एथलेटिक। मैंने पूरी लाइफ स्कूल में सिर्फ खेला है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी क्लास के अंदर बैठती थी। सो आई रियली वॉन्ट टू प्ले अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई एम श्योर अगर कोई, मुझे लगता है कि भारत में महिलाओं को लेकर स्पोर्ट्स की फिल्में बहुत कम बनती हैं। अगर आप देखिए 83 में, अभी मुझे तो ऑलमोस्ट ईर्ष्या होती है उन सब लड़कों से, क्योंकि सारे मेरे दोस्त हैं लिटरली उस फिल्म में, और वो सारे वो 83 वर्ल्ड कप पे फिल्म बना रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी फिल्म तब बनेगी जब वो लोग फीमेल एक्टर्स को लेकर एक स्पोर्ट्स की फिल्म बनाएंगे? चक दे एक बन गई, पर वो पता नहीं कितने सालों पहले बनी थी, और उसके बाद देयर हैज बीन अ ह्यूज लल, तो कुछ हुआ नहीं है उसके बाद। बट आई रियली होप कि यू नो वो महिलाओं को एक सेक्सुअल या एक यू नो एक उस यू नो सेक्सी स्पेस से निकाल कर एक स्पोर्ट्स स्पेस में डालें, बिकॉज आई थिंक वुमेन रियली हैव द पोटेंशियल, और हमारे पास बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। एंड प्लीज पुट अ टीम टुगेदर, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस वांटिंग टू प्ले स्पोर्ट्स वुमेन। ओके लास्ट सवाल, कहते हैं कि बर्थडे के दिन जो मांगते हो मिलता है, और आपने केक कट करने के पहले भी कुछ मांगा, अगर कुछ बता सके तो? मैं हमेशा ये मांगती हूँ कि वैसे बताना नहीं चाहिए कि आप क्या मांगते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मांगती हूँ कि मैं जितना भी समय हो सके, चाहे मैं जितनी भी बिजी रहूँ, मैं अपने माँ बाप और अपनी बहन और अपने नेफ्यू अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाऊँ, चाहे जो हो जाए, चाहे मैं दुनिया के किसी भी हिस्से या किसी भी कोने में। मुझे लगता है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है दुनिया में। आपको हर कोई आकर आएगा और जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा रहती है, वो हमेशा जुड़े रहते हैं। तो चाहे जो हो जाए, आपकी फैमिली आपके साथ रहे, तो मैं हमेशा वही प्रे करती हूँ कि चाहे जो हो जाए मेरी फैमिली मेरे साथ रहे। थैंक यू सो मच, दिस बर्थडे हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्पेशल। मैं 4 साल के बाद बॉम्बे में अपनी बर्थडे फाइनली सेलिब्रेट कर रही हूँ। आई रियली डिडन्ट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू कम हियर एंड विश मी, एंड इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग, एंड दिस हैज़ बीन सो मच लव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू आर्जा अनीश, superb. Has some food arrived? Nothing has arrived. What are they doing today? I don't know what's happening at the club. I'm really angry with them. Yeah.